नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेन नॉलेज पे। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहेगी वो है 02475 हिसार कोयम्बतूर एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की। दरअसल दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन 23 दिसंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक कुल 6 ट्रिप रेल सेवा का संचालन हिसार से कोयम्बतूर के बीच करने का फैसला किया है। और दोस्तों यह ट्रेन रिजर्व ट्रेन रहेगी और इस ट्रेन में यात्रा करने वाली यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट होनी चाहिए। और दोस्तों यह साप्ताहिक ट्रेन रहेगी जो प्रत्येक बुधवार को हिसार से चलकर तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार को कोयम्बतूर पहुंचेगी। और दोस्तों यह ट्रेन हिसार से कोयम्बतूर की कुल दूरी 2785 किलोमीटर को करीबन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 49 घंटे और 50 मिनट में तय करेगी और इस ट्रेन का 35 स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। और दोस्तों इस ट्रेन को हिसार से कोयम्बतूर तक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाएगा। तो वहीं बात करें अगर इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में LHB रेक श्रेणी के कोच रहेंगे, जिनमें फर्स्ट AC का 1 कोच, सेकेंड AC के 4 कोच, तो वहीं थर्ड AC के 10 कोच, 1 कोच पेंट्री कार और 2 गार्ड एवं जनरेटर यान को मिलाकर कुल 18 कोच रहेंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन के किराए की, तो इस ट्रेन का फर्स्ट AC का किराया 6,345 रुपये, सेकेंड AC का किराया 3,705 रुपये, तो वहीं थर्ड AC का किराया 2,530 रुपये रहेगा। दोस्तों यह किराया हिसार से कोयम्बतूर तक का रहेगा, लेकिन यह अपडेटेड किराया नहीं है, इसलिए अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर कन्फर्म अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा। दोस्तों ट्रेन नंबर 02475 हिसार कोयम्बतूर एसी सुपरफास्ट स्पेशल हिसार जंक्शन से 23 दिसंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक प्रत्येक बुधवार को दोपहर में 12:50 पर रवाना होगी। और दोस्तों हिसार जंक्शन से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचेगी सादुलपुर जंक्शन दोपहर में 1:45 पे और 5 मिनट ठहरने के बाद 1:50 पे यहां से रवाना हो जाएगी। दोस्तों चूरू जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी 2:35 पे और 10 मिनट ठहराव के बाद 2:45 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज रतनगढ़ जंक्शन 3:30 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3:35 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों शाम में 4:20 पे यह ट्रेन पहुंचेगी श्री डूंगरगढ़ और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:22 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों बीकानेर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी शाम में 5:55 पे और करीबन 30 मिनट ठहरने के बाद 6:25 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। और दोस्तों बीकानेर जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव एवर एक रिवर्सल होगा और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज नोखा शाम में 7:10 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 7:12 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज नागौर 7:47 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 7:52 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों रात में 9:02 पे यह ट्रेन पहुंचेगी मेड़ता रोड जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 9:07 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों जोधपुर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 10:55 पे और करीबन 15 मिनट ठहराव के बाद रात में 11:10 पे जोधपुर जंक्शन से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज लूणी जंक्शन रात में 11:40 पे और 3 मिनट ठहराव के बाद 11:43 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों पाली मारवाड़ी यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 12:08 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 12:13 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज मारवाड़ जंक्शन रात में 1:00 और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 1:05 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों फालना यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 1:48 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:50 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी आबू रोड रात में 3:20 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 3:30 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा पालनपुर जंक्शन 4:28 पे यहाँ पहुंचेगी और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:30 पे
पालनपुर जंक्शन से रवाना हो जाएगी। दोस्तों मेहसाणा जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी सुबह में 5:42 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:44 पे मेहसाणा जंक्शन से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी सुबह में 7:10 पे अहमदाबाद जंक्शन और करीबन 20 मिनट ठहराव के बाद 7:30 पे अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाएगी। दोस्तों आणंद जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी सुबह में 8:25 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:27 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों वडोदरा जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी 9:01 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 9:06 पे वडोदरा जंक्शन से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज अंकलेश्वर 10:09 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:11 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा सूरत 11:25 पे यहाँ पहुंचेगी और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 11:35 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों दोपहर में 12:37 पे यह ट्रेन पहुंचेगी वापी और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:39 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज वसई रोड दोपहर में 2:05 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 2:15 पे वसई रोड से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज चिकलोड 6:28 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 6:30 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों रत्नागिरी यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 8:10 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 8:15 पे रत्नागिरी से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज मडगांव रात में 12:15 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 12:25 पे मडगांव से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज कारवार रात में 1:20 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 1:22 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों उडप्पी यह ट्रेन पहुंचेगी 4:16 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:18 पे उडप्पी से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज मंगलोर जंक्शन सुबह में 6:35 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 6:45 पे मंगलोर जंक्शन से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज कन्नूर 8:37 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 8:40 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों कोचिकोड यह ट्रेन पहुंचेगी सुबह में 9:52 पे और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद 9:55 पे कोझिकोड़े से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी सोरानूर जंक्शन 11:25 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 11:30 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों पालाकड़ यह ट्रेन पहुंचेगी दोपहर में 12:37 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 12:40 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचेगी अपने लास्ट स्टॉपेज कोयम्बतूर जंक्शन दोपहर में 2:40 पे और यहाँ तक 2785 किलोमीटर की यात्रा तय कर देगी। तो दोस्तों यह थी 02475 हिसार से कोयम्बतूर के बीच चलने वाली एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।